नमस्कार किसान भाइयों, आज आपके लिए लेकर आ चुके हैं सोनालिका का DI-50 डिलक्स मॉडल। इस ट्रैक्टर का आज फैसिलिटी जानेंगे और क्या इस ट्रैक्टर को लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो इस ट्रैक्टर में आपको मिल जाता है अगला चक्का 750/16 का, जो इसमें बहुत बड़ा सा साइज माना गया है। इसका अगर हैंडल और पावर स्टीयरिंग की बात कर लिया तो सिंगल रॉड में पावर स्टीयरिंग मिल जाता है, जो आपको कम मेंटेनेंस में आपको ज़्यादा लाइफ तक टिकता है। इस ट्रैक्टर में वाटर सेपरेटर फिल्टर मिल जाता है, जो बहुत ही अच्छा है। इसमें बॉस का 3 सिलेंडर का इसमें पंप मिल जाता है, जो आपका मेंटेनेंस कम लेता है पंप, और ख़र्चा भी कम लगता है। इस अगर गाड़ी की अगर बात कर लिया तो इस इंजन में आपको 3065 cc का इसमें इंजन दिया गया है। टूल बक्सा के अगर बात कर लिया जाए तो इस बहुत ही अच्छा क्वालिटी में दिया गया है, जो रिंच भारी भरकम भी रख लीजिएगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आजकल तो देख सकते हैं कि बहुत सारे ट्रैक्टर में प्लास्टिक का डिक्की दे दिया जाता है और तुरंत ही टूट जाता है, आप लोग भी जानते हुइएगा। इस ट्रैक्टर में आपको डबल और सिंगल क्लच का भी ऑप्शन है, लेने के समय अपना अनुसार ले सकते हैं। ये गाड़ी 52 HP में आता है, जो आपको हम बताए हुए थे। इस गाड़ी में डबल क्लच है और LED इंडिकेटर और पार्किंग लाइट के साथ में ये गाड़ी आपको मिल जाता है। किसान भाई, अभी तक हमारे चैनल पर नया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर जरूर करें। इसमें आपको डिजिटल मीटर मिल जाता है, जो तेल मीटर, हीटर मीटर, बैटरी मीटर, मोबाइल मीटर हर एक, और RPM मीटर भी आपको मिल जाता है। साथ में इंडिकेटर का भी हर एक फैसिलिटी उपलब्ध है। इस ट्रैक्टर में 55 लीटर का आपको इसमें डीजल टंक मिल जाता है। इस सोनालिका शोरूम में कांटी खरीका में लगा हुआ है, आप देख सकते हैं कि हर एक यहाँ पर ट्रैक्टर मिल जाता है। डीसी पीसी लीवर इसमें आपको बहुत ही अच्छा जगह पर दिया गया है, जो किसी भी काम करने में आपको थकान महसूस नहीं होगा। इस गाड़ी का अगर पिछला अगर चक्का की बात कर लिया तो 14/9/28 में इसमें आपको चक्का मिल जाता है, जो बहुत ही बड़ा साइज गुडियर का चक्का लगा हुआ है। पीछा अगर बात कर लिया तो इसमें आपको लिफ्ट 2000 kg का इसमें आपको मिल जाता है, जो बहुत ही खास बात है। 3 पॉइंट लिंकेज मिल जाता है, जो हरवाही करने के लिए अच्छा है, और इसका PTO पावर 540 मिल जाता है, जो इसका 44.7 HP का इसमें आपको मिलता है। डबल डिस्ट्रीब्यूटर हॉल मिल जाता है, इससे आपको बड़ा से बड़ा काम करने में आसानी मिल जाता है। उस चलाने के लिए यहाँ पर अलग से लीवर दिया गया है, जो आपको DC-PC लीवर को आपको छिड़खानी नहीं करना पड़ेगा। रात में कुछ कारणवश यहाँ पर एक लाइट दे दिया गया है, जो 3D में इसमें आप देख सकते हैं। ब्रांडिंग भी रिवर्स PTO का भी इसमें दे दिया गया है। रात में काम करने के लिए बड़ा सा एक बैक लाइट दिया गया है, जो आप देख सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा फोक्स इस लाइट देता है। किसान भाई, अगर इस गाड़ी का तो बात कर लिया जाए तो बहुत कम है, इसलिए कि क्या बताएं, इसका हर एक चीज़ बहुत ही हेवी दिया जाता है। इसलिए कि 52 HP का गाड़ी है, कोई किसान भाई लेगा तो इससे काम करेगा, बहुत हेवी काम करेगा, इसीलिए ये गाड़ी आपको बहुत ही हेवी दिया जाता है। इसका अगर एक्सेलरेटर भी देख सकते हैं, बहुत आसान और तेल में डूबा हुआ इसमें ब्रेक आपको मिल जाता है, जो इसका ब्रेक आपको बहुत ही लाइफ टाइम तक टिकाऊ होता है। आप गाड़ी लेना तो बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन अगर सोनालिका की बात करिए तो 3065 cc की गाड़ी होने के कारण ये गाड़ी कम डीजल लेता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मोबिल फिल्टर बहुत आसानी जगह पर दिया है गया है, और वहाँ पर इंजन फिल्टर दिया गया है, और इसमें डबल टेंडम पंप दिया गया है, जो आपको एक हाइड्रोलिक के अलग और हैंडल के लिए अलग दिया गया है, जो आपको पंप का लाइफ बरकरार रहेगा। और इसमें आपको दिखा दे आपको कि एक साइलेंसर बहुत ही प्यारा सा साउंड देता है। साइलेंसर पहले जो साइलेंसर आता था वो थोड़ा ज़्यादा साउंड देता था, एक कम देता है। गाड़ी का मॉडल आप देख सकते हैं, बहुत ही खास और लुक अच्छा लगता है। तो इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करता हूं। किसान भाइयों, वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।